Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa wa salli salli Allah.

अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू या अहल कुरान कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे

ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين حسنه ظاهر میں اپ اجمل ہیں خلق باطن میں اپ ہیں अकल ये कहती है कुल में आप हैं अल्लाह के करम उसकी तौफीक से हम आप अलेही अलेही वसल्लम की सीरत मुबारक को पढ़ने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं ये अल्लाह का हम पे बहुत बड़ा करम है इस नेमत को अपनी खुशकिस्मती जानिए दिल में अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करिए और दिल से दुआ करिए कि अल्लाह सुबहान हमारा शरा सदर कर दे अल्लाह हमारे सीनों को खोल दे ताकि हर बात हमारे कानों से होते हुए हमारी दिल की तख्तियों में लिखी जाए सही बुखारी की हदीस है सेवन थ्री वन टू मैंने माविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह से सुना वो खुतबा दे रहे थे उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सलम से सुना है आ, हजरत ने कि जिसके साथ का इरादा करता है, इसे दीन की समझ अता देता है और मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूँ और देता अल्लाह है और इस उम्मत का मामला हमेशा दुरुस्त रहेगा यहाँ तक के कयामत कायम हो जाए या आपने यू फरमाया कि यहां तक कि अल्लाह का हुक्म पहुंचे सुबह अगर आपको दीन की समझ आ रही है तो अल्लाह ने आपके साथ भलाई का मामला कर लिया है और अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत, बल्कि मेरे लिहाज से सबसे बड़ी नेमत यह है कि हमें दीन की समझ आ जाए और आप वसल्लम इस खैर को बांटने के लिए हमारे दरमियान आए और उनकी जिंदगी मुबारक को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि कितनी मुश्किल से उन्होंने जिंदगी गुजारी बचपन में ही पैदाइश से पहले अपने वालिद को खो दिया पैदा हुए थोड़े अरसे बाद माँ को खो दिया फिर अपने प्यारे दादा उनको भी खो दिया और अपने चचा की कफालत में आ गए आप अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ आठ बरस दो महीने और दस दिन थी जब उनके दादा अब्दुल दादाब इंतकाल कर गए। उसके बाद आप अलैहि वसल्लम की करफालत का बेड़ा उनके चचा अबू तालिब ने उठा लिया वो आपके वालिद के सगे भाई थे उन्होंने आपसे खास रहमत और शफकत बरती वो मालदार तो नहीं थे लेकिन आपकी किफालत के बाद अल्लाह ताला ने इनके थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी कि एक आदमी का खाना पूरे कुंबे के लिए काफी हो जाता खुद आप भी सब्रों कनात का नमूना थे जो कुछ मिलता इस पे कनात करते और हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए तमाम दुनिया बनाएगी जब वो कनात के साथ जिंदगी गुजारते थे तो हम क्यों कनात इख्तियार ना करें हज़रत अनस रजी से मरवी है कि सहाबा ये शेर पढ़ते जा रहे थे जिन्होंने मोहम्मद सल्लम के साथ बैत की है नबी सलम ने फरमाया कि ए अल्लाह असल खैर तो आखरत की खैर है बस तू इंसार और महाजरीन को माँ फरमा फिर नबी सल के पास जो की रोटी लाई गई जिस पर ऐसी चर्बी थी जिसका जायका बदल गया था सब ने इसी को तनावल फरमा लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि असल भलाई तो आखरत की भलाई है एक जमाना था कि मेरे सामने अगर खमीरी रोटी आ जाती थी तो मैं नहीं खाती और मैं कहती थी, थी ये कोई खराब हो गई है या दस चीजें जो हम बोलते हैं गफलत में आप वसल्लम इतनी बड़ी जात उनके पास जो की रोटी आई जिसका जायका बदल गया ना सिर्फ उन्होंने खाई बल्कि तमाम आप वसल्लम की जात इतनी बाबरकत इतनी मुबारक और इतनी मुकम्मल है कि जिस जिस एंगल को मैंने पढ़ा तो मुझे अपनी शर्मिंदगी हुई लेकिन करने का काम क्या है हमने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा गुलाम जो कि रोटी की दावत देता तो आप वसल्लम कबूल कर ले ये नहीं कहते कि ये गरीब है इसका खाना कैसा होगा ये आप कबूल कर लेते आप ले वसल्लम के पास खजूर लाई जाती जिसमें सुरसुरी होती क्या होती सुरसुरी होती छोटी सी सुंडी हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको साफ करके खा लेते अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो की रोटी और बदबूदार चर्बी की दावत दी जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कबूल कर ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के बदतरीन लोग वो होंगे जो नेमतों में पाले जाएंगे वो तरह तरह के खाने मांगेंगे और तरह तरह के कपड़े और गुफ्तगु में बे एहतियाती करेंगे और एक रिवायत में है कि तरह तरह की सवारियों में सवार होंगे वो रंग बरंगे मशरूब मांगेंगे इस हदीसी मुबारका को पढ़ा तो ऐसे लगा कि मेरी ही बात हो रही है ये तो हमारी बात हो रही है हम ही तो वो है जो कहते हैं कि अच्छा दाल पड़ी है मैंने नहीं खानी सब्जी पकी है मैंने नहीं खानी मैंने ये नहीं खाना मैंने वो नहीं खाना दुनिया जहान की नेमतें हमारे आगे मौजूद हैं लेकिन हम ना शुक्र आज के बाद अमल की बात अपने गिरा से बांध मैंने ना शुक्री नहीं करनी और जब भी आपका नफ्स आपको बहकाए और मजबूर करें कि आप ना शुक्री करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक को याद करें और अपने अंदर कनात पैदा करें जब बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस और कहा जाता है कि मजीद दो महीने दस दिन हुई तो अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का कसर किया आपको इनकी जुदाई बहुत गिरा गुजरी जिससे वो भी बहुत मुतासिर हुए और अपने साथ ले लिया जब काफले ने मुल्क शाम की हदूद में पहुंचा पहुंच कर शहर बसरा के करीब पड़ाव डाला तो बहिरा नामी ईसाइयों का एक बड़ा राहब अपने गिरजे से निकलकर आपके पास आया और काफिले के दरमियान गुजर कर नबी करीम के पास पहुंचा और आपका हाथ पकड़ कर कहने लगा ये दुनिया के सरदार हैं परवरदिगार आलम के रसूल हैं अल्लाह उन्हें रहमत आलम बनाकर भेजेगा लोगों ने कहा आपको ये कैसे मालूम हुआ इसने कहा तुम लोग जब घाटी से इधर जाहिर हुए तो कोई पत्थर या दरक ऐसा ना था जो सजदे के लिए झुक ना गया और ये दोनों चीजें नबी के अलावा किसी और को सजदा नहीं करती फिर मैं इन्हें नबुवत से भी पहचानता हूँ जो कंधे के नीचे नरम के पास सेब की तरह है और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं फिर इसने काफ़ले की जयाकत की और अबू तालिब से कहा इनको वापस कर दे मुल्क शाम ना ले जाएं क्योंकि यहूद और रूमियों से खतरा है इस पर अबू तालिब ने आपको मक्का भेज दिया आप सल्ला पर जब नबूत आई उस वक्त जितने भी यहूद दी और ईसाई बड़े आलिम थे उन्हें पता था कि किसी रसूल का जो है ना नजूल होने वाला है अब वक्त आ गया है कि कोई भी रसूल जो है वो जाहिर होंगे लेकिन बदबी क्या है कहते हैं ना आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं सुमुन बुकमुन उन जब हम अंधे हो जाते हैं गूंगे हो जाते हैं बहरे हो जाते हैं तो क्या होता है सामने होती हुई चीज नजर नहीं आई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जाहिर हुए उन्होंने ठुकराया जब मदीना में गए और उनका पूरा यकीन था कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा तब भी उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा किया गया जंगे फिजार जब आपकी उम्र 20 बरस की हुई तो जिकदा के महीने में उकास के बाजार में एक लड़ाई पेश आई जिसमें एक तरफ कुरैश और के... नाना के कबाइल थे और दूसरी तरफ कैस और गैलान के कबाइल दोनों में घुमसान का रन पड़ा फिर कैन के कई कई आदमी खेत रहे लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय किया कि दोनों तरफ से मकतूलों की जिधर ज्यादा होंगे उधर ज्यादा खून बहा दे दिया जाएगा इसके बाद जंग खत्म हो गई और बाहमी शर अदावत को मिटा दिया गया इस जंग में आप भी शरीक थे और अपने चचाओं को तीर थमाया करते थे इन का नाम फजात इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें हराम महीने की हरमत पामाल की गई हरमत वाले महीने चार हैं दिलकदा दिलहजा मुहर्रम और रजब और जब इस्लाम नहीं आया था तब भी इनकी हरमत का ख्याल रखा जाता था लेकिन जब कुरैश बहुत जब अर बहुत इखलाक की पस्ती का शिकार हुए तो उन्होंने हरमत वाले महीनों को भी

जिसे हिलफुल फजूल कहते हैं इनका कबाइल के नाम ये हैं बनु हाशिम बनु मुतलिब बनु असद बनु जहरा, बनु तयम इसकी वजह ये हुई कि जुबैद यमन का एक आदमी सामान तिजारत लेकर आया आस बिन वायल ने इससे सामान खरीद लिया लेकिन कीमत अदा नहीं की इसने बनु अब्दुदार बनु मखजूम बनु जमा बनु सहम और बनु अदी से फरियाद की लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ना दी चुनाचे इसने जबले अबू उबैस पर चढ़कर चंद अशाल में अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा और आवाज लगाई कि कोई इसका हक दिलाने के लिए इसकी मदद करे इस पर जुबैर बिन अब्दुल ने दौड़ धूप की चुनाचे अफरा तयम के, के सरदार अब्दुल्ला बिन जदान के घर में इकट्ठे हुए और आपस में अहदो पैमा किया कि मक्का में जो भी मजलूम नजर आएगा कौ मक्का का रहने वाला हो या कहीं और का ये सब इसकी हिमायत में उठ खड़े होंगे और आस बिन वायल से जुब्दी का हक लेकर इसके हवाले कर दिया इस में आप भी अपने के साथ तशरीफ फरमा थे और शर्फ रसालत से यानी जब आप नबूत आ गई तो आपने फरमाया मैं अब्दुल्ला बिन जुदान के मालिक पर एक ऐसे माहे में शरीक हुआ कि मुझे इसके अगर सुर्ख ऊंट भी पसंद नहीं और अगर मैं इसके लिए दौरे इस्लाम में बुलाया जाता तो इसे यकीन कबूल करता यानी अगर हमें मजलूम और जालिम के बीच में खड़े होकर फैसला करना पड़े तो हमें हर सूरत मजलूम का साथ देना है चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो या हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए फिर अपने दादा फिर चचा की कफालत में परवरिश पाई बालत से विरासत में जो कुछ मिला था इससे कुछ होने वाला नहीं था लिहाजा जो ही आप हल्के फुलके काम करने के लायक हुए अपने रजाई भाइयों के साथ दिन, बिन साद में बकरियां चराने लगे जब मक्का आए तो वहां भी चंद रात के, के अवस एल मक्का की बकरियां चराई रात एक दिनार का बीसवा चौबीसवा हिस्सा होता है जिसकी कीमत इस जमाने में बामुश्किल अस्सी नब्बे रुपए थी आजकल बहुत नफसा नफसी है और हर बंदा इजी मनी चाहता है चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हराम और हलाल का फर्क खत्म हो गया है ऐसी एप्स भी आ गई हैं कि जिसमें लड़कियों से कहा जा रहा है कि आप सिर्फ लड़कों से बात करें इसके बदले भी आपको पैसे दिए जाए तो इससे इखलाकी पस्ती और क्या रह गई है टिकटॉक पे अपने आप को पेश किया जा रहा है डिफरेंट तरह की वीडियोज बना के पेश कर रहे हैं कहने को हमारे फॉलोअर्स हैं लेकिन वो आपका क्या क्या फॉलो कर रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए जा रहे हैं मैं तो किसी को नहीं दिखाती मैंने तो प्राइवेट रखा हुआ है आपको क्या पता कि नेट से होके जब वो डेटा अपलोड होता है तो वो हमेशा के लिए महफूज कर लिया जाता है आपके मोबाइल में इस वक्त जो जो कुछ मौजूद है उसकी रसाई बहुत से लोगों को है और जब हम डार्क वेब के बारे में पढ़ते हैं तो खौफ आ जाता है कि क्या क्या हो सकता है हमारी तस्वीरों के साथ हमारी वीडियोस के साथ क्या करें मेहनत ना करें ऐसी जगह चला जाए जहां पर सिर्फ बैठ के बातें करनी हो और बहुत से पैसे आ जाए बहुत आसान है मिल भी जाएगा लेकिन फिर आखिरत में क्या करेंगे आप वसल्लम हमारे लिए नमूना बना के भेजे गए उन्होंने अपने करियर का आगाज कहाँ से किया बकरियां चरा जो कि मेहनत अलग काम है हमारे लिए अमल की बातें क्या है चाहे कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े हराम और हलाल का फर्क नहीं मिटाना हमेशा ये याद रखना है ये दुनिया आर्जी है हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है और हमारा अमाल नामा ऐसा हो कि हम उसके आगे पेश हो सके अगर नहीं होगा तो जो चीजें आज हम छुपा के भी कर लेंगे कल जब वो वीडियोस पूरी दुनिया के सामने पेश होगी हजरत तो आदम से लेके जब तक दुनिया है जब तमाम लोग मैदान मेश्वर में इकट्ठे होंगे और मेरी वो चीजें पेश की जाएंगी तो मैं क्या करूं शैतान के जाल बहुत आसान और इस टाइम पे बहुत आसान है खुदा के लिए अपनी आखरत को याद रखें अपने आप को बचाएं और आप वसल्लम से बहुत सी चीजें सीखें अवाइले उम्र में बकरियां चराना अम्बिया की सुन्नत है अंबिया की सुन्नत क्या है कि बकरियां चराया करते थे और ये हम बहुत से अंबिया की जिंदगी के जब अहवाल पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं एक बार नबूत में नबी वसल्लम ने वहल मिन इल्ला रहा कोई भी नहीं नबी नहीं गुजरा मगर इसने बकरियां जरूर चराई जब आप जवान हो गए तो तजारत करने के लिए क्योंकि बाज रिवायात में मजबूर है कि आप साहिब साहिब बिन अभी साथ के साथ मिलकर करते थे सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई फिर जब कुछ पैसे इकट्ठे हो गए उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया तो तजारत करने लगे तजारत क्या था माल इधर से लेना दूसरी जगह फरोख्त करना और तजारत बड़ा पसंदीदा काम है और उसमें बरकत भी है आप

सबसे पहले मैं अपनी पर्सनालिटी बनाऊंगी अपने पे काम करूंगी अपना नफ्स करूंगी अपने किरदार की बुराइयों को निकालूंगी फिर मैं किसी काबिल बनूंगी अगर मैं खुद अपनी तारीफ करती रहूं मैं बहुत अच्छी हूं मैं बहुत पर्दा करती हूं मैं बहुत पढ़ती हूं तो सब क्या कहेंगे अपने मुंह मियाँ बिठू तारीफ क्या है जो पीठ पीछे की जाए क्योंकि नहीं इसने अपने आप को चेंज किया है बदला है पहले बड़ा गरूर था अब थोड़ा सा आजी आ रही है पहले बिल्कुल भी इंसान को इंसान नहीं समझती थी अब समझती है पहले शुक्रगुजार नहीं थी अब शुक्रगुजार है तो हमने ऐसा बनना है कि दूसरे हमारी तारीफ करें और जब आपका करेक्टर ऐसे बनता है तो आंख बंद करके लोग अलैहि वसल्लम का करेक्टर इतना पुख्ता था कि लोग आंखें बंद करके उनपे एतबार करते थे मुल्क शाम का सफर और हजरत खतीजा रजी अल्लाह तलाो के माल की तिजारत आपका यही शेहरा सुनकर खतीजा रजी अल्लाह तहो ने आपको तिजारत के लिए अपने माल की पेशकश की हजरत खतीजा जब पैदा हुई उस वक्त अरब में बेटियों को जिंदा गौर करने का रिवाज जब पैदा हुई उनके माँ बाप जो थे उन्होंने देखा आप वसल्लम के दादा आए देखने के लिए तो उन्होंने जब उन्हें देखा तो उनके चेहरे से एक नूर निकलता देखते ही उनके पास जितने भी दिनार, जितना कुछ था उन्होंने उनको दे दिया ये थी उनकी शाम। आपके आपसे इतनी मोहब्बत करते थे कि जिस जमाने में बेटियों को जिंदा किया जाता था उस जमाने में उन्होंने उन्हें वर्का बिन नौफिल के हवाले किया जो आपके रिश्तेदार थे जिनका हम आगे जिक्र पड़ेंगे जो बहुत बड़े उस वक्त के आलिम थे बहुत केपेबल थे उनके हवाले किया और उनको कहा कि इनकी आप तरबियत करें इनको तालीम दें तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है खुद भी हासिल करने हैं और अपनी औलादों को भी देनी है जब आप ग्रो हुई तो आप खूबसूरत थी आप आला खानदान की थी पाकिजा थी रिश्ते आना शुरू हो गए हर बंदा चाहता था कि आप उनके घर की इज्जत बने आज मसला क्या है आज हम अपने कैरेक्टर्स पे अपने आप पे काम नहीं करते बल्कि दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं कि हमारे रिश्ते आएंगे हमारा घर बसेगा याद रखिए अल्लाह ने जो आपका जोड़ा लिखा है आपको मिलेगा वही चाहे आप हलाल तरीके पे रहें चाहे आप हराम रस्ते पे चले जाए अगर हलाल पे रहेंगे तो दिल भी मुतमिन रहेगा रिश्ता भी पाक होगा आन जो आपकी जिंदगी में आपके शौहर आएंगे वो भी आपकी कदर करेंगे और आगे से आपकी औलाद भी इनशाला पाक दामन होगा अगर खुदा न खासा शैतान के बहकावे में आ गए और हराम रास्ते पे चल पड़े और औरतों का दिल इतना नरम होता है कि जरा सी किसी ने दो तारीफें क्या की कि हम बहक जाए शैतान के चुंगल में नहीं मेरी जितनी प्यारी बच्चियां जितनी प्यारी बच्चियां यहाँ पे सुन रही है बात जवानी इट एक बहुत बड़ा धोखा है बहुत जल्दी गुजर जाती है लेकिन जब इंसान जवान होता है तो समझता है कि मैं ही हूं और मैं ही हूँ लेकिन आपने अपने आप को संभाल के रखें जिस जिस वक्त पे आपका नफ्स आपको बहकाए तो हमारे रोल मॉडल्स हमारी मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम हमने उन्हें फॉलो करना है हजरत खदीजा बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी आज के जमाने में कहूं तो बिजनेस टाइकूट इतने पैसे छोटी उम्र में शादी हो गई लेकिन छोटी उम्र में ही बेवा हो गई क्या किया रोई तो ही ऑफ कोर्स दुखी हुई होंगी लेकिन अल्लाह की रजा जान के जिंदगी में पॉजिटिविटी से चलती रही अपने किरदार को मेंटेन किया किसी के आगे झुकी नहीं फिर भी सारे चाहते थे कि इनसे हमारी शादी हो फिर दोबारा शादी हुई और दोबारा बेवगी इनका मुकद्दर बनी फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया अपने बच्चों को पालती बेहतरीन तरीके से तिजारत करती बेहतरीन तरीके से एक रोब और दबदबा पर्सनालिटी में था कोई फजूल बात ना करता दो दफा बेवगी के बाद भी लोग चाहते थे कि इनसे शादी तो इखलाक कितना आला, आला किरदार होगा हमने अपने इखलाक और किरदार को आला बनाना है जब हजरत को पता चला कि आप सलम बहुत अमीन है उन्होंने कहा मैं इनको सामान देती हूँ तिजारत के लिए ये लेके जाए कैसे उन्होंने उनको पहचाना उनकी ईमानदारी से उनके चर्चों से किरदारकबूल कर देता है वो शर्फ और माल दोनों लिहाज से कुरेशी की सबसे मोजि खातून थी और लोगों को कुछ उजरत पर अपना माल तजारत दे दिया करती थी उन्होंने पेशकश के साथ ये भी अर्ज की कि वो आपको सबसे ज्यादा उजरत देंगी जब आपकी क्वालिटीज होती है ना तो आपको सबसे ज्यादा उजरत मिलती है तो हमने किस पे मेहनत करनी अपनी क्वालिटीज पे आपने उनके गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम का सफर किया वहां खरीदो फरोख की खूब नफा हुआ और इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी नहीं हुई थी फिर मक्का वापस आए और इमानत अदा फरमाई आप वसल्लम आकिल और बहुत उनको नॉलेज था बहुत फरासत थी उनके सही। जब उन्होंने ने पैसे दिए ये खर्च के पैसे हैं। आप जाए वहां पे आप खर्च करिएगा उन्होंने खर्च नहीं किए कुछ चीजें मक्का से ली, जब शाम गए वो चीजें बेची एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वापस आए तो उसका नतीजा हैरान होगी ये कैसे है मैंने इतने लोगों को भेजा कभी मुझे इतना मुनाफा नहीं हुआ तो वो मान गए ये जबरदस्त है और आपको मैंने शुरू में बताया है कि हजरत खतीजा वरका बिन नौफिल के साथ पली बड़ी थी उन्होंने उनकी तरबियत की थी जिसकी वजह से दीनी रुझान भी था और वर्का बिन नौफिल ईसाई आलिम थे बहुत बड़े स्कॉलर थे उनकी वजह से हज़रत खतीजा को ये भी पता था कि आखिरी नबी आने वाले मेंटली तौर पे शी न्यू के एक आखिरी नबी आने वाले हैं उधर हजरत खतीजा ने इमानत और बरकत का यह हाल देखा तो दम ब खुद रह गई फिर मैसरा ने आपके शीरी शुमाइल बंद इخ, बुलंद इखलाक और कहा जाता है धूप में दो फरिश्तों के साय करने का हाल बयान किया तो हजरत खतीजा रजीला तला महसूस किया कि इनका गोहरे मुराद इन्हें मिल गया है जब उनके गुलाम ने कहा कि ये बहुत अला इखलाक थी इनकी जबान बहुत साफ है इनका किरदार बहुत साफ है और जब ये चलते हैं धूप में इनके ऊपर तो साया हो रहा होता है तो हजरत खतीजा को पता था एक नबी आने वाले उन्होंने कहा ये ये हैं जिनसे अपने शादी करूँगी जब हजरत खतीजा और आप वसल्लम वे की मुलाकात हुई तो हजरत खतीजा के वालद इंतकाल कर चुके आपके बच्चे थे और आप थी और वर्का बिन नौफे जो थे वो उनकी रहनमाय एक सहेली थी जो आई उन्होंने ऐसे हालात बयान किए तो उनकी सहेली उनका प्रपोजल लेके आप वसल्लम के पास गई और कहा आप शादी करना चाहते हैं उन्होंने कहा जी करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं खर्च बर्दाश्त करूँ उन्होंने कहा अच्छा अगर एक बहुत आला खानदान की औरत आपको पेशकश करे और माल का भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप शादी करेंगे तो आप सल्ला ने निगाह उठा के उनको देखा उन्होंने कहा कौन उन्होंने तो कहा हजरत फतीजा रसी चुनाचे उन्होंने आपके पास अपनी सहेली को भेज कर शादी की ख्वाहिश का इजहार किया आपने तजवीज़ पसंद की और चचाओं से गुफ्तू की अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो लड़कियां प्रपोजल्स भेज सकती हैं इसमें कोई मायूब बात नहीं है जिसको हमारी सोसाइटी में मायूब बना दिया गया लेकिन डायरेक्ट बात नहीं करते या तो बड़ों के थ्रू या किसी ट्रस्टेबल बंदे के थ्रू फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट हजरत को अप्रोच नहीं किया किससे बात की अपने बड़ों से अपने चचाओं से डायरेक्ट इंटरैक्शन इज नॉट अलाउड इन इस्लाम शादी से पहले आप जरूर मिल सकते हैं आप अपने जाए जैसे शादी हो रही है उसको देखना चाहते हैं आप जरूर देख सकते हैं लेकिन लिमिट्स के अंदर अब लिमिट्स खत्म होगी हम डिनर्स पे जा रहे हैं हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं हम मूवीज देखने जा रहे हैं खुदा का और मेरं बहुत इजाजत दी है कैसे? दिया हमें लेकिन इन लिमिट्स आप मिल सकते हैं आप एक दफा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं लेकिन उसके आगे कौन सा चीजें हैंडल करेंगे आपके बड़े आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रखेंगे और आजकल के फितनों में से बहुत बड़ा फितना है कि पहली मेरी एडवाइस माँ बाप को है खुदा के लिए बच्चों की मंगनिया मत करें मंगनी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है अगर आप चाहते हैं उनका शादी करना तो डायरेक्ट क्या करेंगे निकाह जो कि जायज काम है बच्चियों की आप लोग मंगनिया कर देते हैं फिर लड़कों की तरफ से भी प्रेशर आता है कि हम सब बात करें फिर पिक्चर्स एक्सचेंज होती हैं और ये जाल इतना गहरा है जिसमें बच्चियां धसती जाती हैं और वाल आप लोग सिर्फ मंगनी करा के आपकी जिम्मेदारी खत्म थोड़ी हो जाती है आप तो गुनाह का हिस्सा बन रहे एंड यू आर अलोइंग गुनाह जो है वो सामने हो रहे हमारे इट्स फाइन मंगेतर है अल्लाह के बंदो मंगेतर है मेहरम नहीं है ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने इंडिया से अडोप्ट निकाह होता है इसीलिए अपने बच्चियों को इस अजाब में ना डालें और जिन बच्चियों की अगर मंगनी हुई भी है उनके वाले को इतनी नहीं समझ तो पहले दिन से कह दें ना मैं फोन पे बात करती हूँ ना मैं अपनी तस्वीर भेजती हूँ दूसरा प्रेशर अगर ये आता है कि ठीक है फिर मैं मुझे तो इतनी कंजर्वेटिव लड़की नहीं चाहिए तो अल्लाह के लिए उस बंदे को छोड़ दो तो क्योंकि जब पहले आपकी इज्जत नहीं करता तो बाद में आपकी इज्जत नहीं करता। और बाद में वो ही लोग ताने दे रहे होते हैं आपने तजवीज़ पसंद की और चचाओं से गुफ्तु की उन्होंने हजरत खतीजा रजी के चचा, उमर बिन असद को पैगाम भेजा बात तय हो गई और बनो हाशिम और सरदरान रैश ने एक मजलिस में ऊंट और कहा जाता है छह ऊंट मेहर पर निकाह हो गया खुदबा निकाह अबू तालिब ने पढ़ा उस वक्त भी क्या होता था निकाह हम कहते हैं ना उस वक्त क्या होता था उस वक्त भी निकाह होता था खुदबा निकाह किसने पढ़ा आपके चचा अबू तालिब ने पढ़ा जिसमें अल्लाह की सना की

अकबर मुझे रोना आता है मुझे सही बात है इतना रोना आता है मैं जब अपनी बच्चियों को देखे, मैं कहती हूँ उस तक फिर क्या बनेगा इस उम्मत का हम तो क्या क्या कर बैठे अपने साथ बाप खड़ा है साथ भाई खड़ा है साथ मामू चचा ससुर आप कर क्या रहे हो ये ट्रेंड है ये बेगैरती ट्रेंड बन गई है हम इतने बेगैरत हो गए हैं हमारी इज्जत नहीं है हमारा जमीर नहीं है हम जा कहा रहे हैं मुझे हैरत है उन बच्चियों पे मुझे हैरत है उनके वाले देन पे। मुझे हैरत है उनके खानदान पर हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को मेरी बातें रिजट लगें लेकिन हक हक है और हक सच है हम क्या कर सकते हैं किसी भी ऐसे इवेंट का हिस्सा मत बने जहां पे इस्लाम की हदूद को पामाल किया जाए फिर आप कहेंगे तो फिर अब रिश्ते तोड़ दे बिल्कुल तो नहीं तोड़े इस्लाम में कत रहमी तो है ही सुलह रहमी है अगर आपको हंड्रेड परसेंट यकीन है कि वहां पे ऐसी चीजें होंगी जो अलाउड नहीं है पहले जाके उनको मुबारक दें उनको अच्छी तरह से गिफ्ट्स दें उनको आराम से कह दें जी सॉरी मैं ऐसी मजलिसों का हिस्सा नहीं बन सकती मैंने अल्लाह को जवाब देना और मैं आपको ये बताऊं ये उनसे ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा करना क्योंकि जब आप घर में बैठे होंगे फिर आपको सताएगी ये बात हाय सब इंजॉय कर रहे हैं मैं अकेली यहाँ बैठी तरह सारा को अपने पे हाय हाय अब मैं क्या करूँ मैं में बिचारी अगर ये करना है तो बेहतर है कि आप वहीं चले जाए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉम रखें ये मुल्क शाम से वापसी के दो महीने और चंद दिन बाद की बात है जब आप वसल्लम तिजारत के लिए मुल्क शाम से वापस आए तो दो महीने और चंद दिन ही गुजरे थे कि आपका हजरत खतीजा से निकाह हो गया था इस वक्त आप वसल्लम की उम्र पच्चीस साल और हजरत खतीजा ताला की उम्र 40 साल थी एक और लर्निंग पॉइंट कोई भी बंदा बड़ी उम्र की औरत से शादी कर सकता है कोई भी इंसान बेवा से शादी कर सकता है कोई हमें इस चीज को सपोर्ट करना है ना के मजाक उड़ाना है हम तो खुद मजाक उड़ा रहे थे देखा देखा इसको देखा इसकी शादी किससे हो रही है अगर कोई बड़ी उम्र की उम्र औरत छोटी उम्र से हो देखो इसने तो बच्चे से शादी करती है अस्तकफिरल्ला अगर आप डीप डाउन जाए तो आप देखें कि आप किसको क्या कह रहे हैं आप सल्लाम की जितनी शादियां हुई वो अल्लाह सुबहानो तला ने हमारे सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए कराई अल्लाह सुबहानो चाहते तो उनकी शादी कुंवारी लड़की से हो सकती थी आपसे कम उम्र की लड़की से हो सकती थी लेकिन क्यों अगर एक निचोर लड़की आएगी तो उसकी इबादतें भी ज्यादा होंगी ना उसकी समझदारी भी ज्यादा होगी उसका नमाज रोजा भी ज्यादा होगा उसकी अकलो फिरासत भी ज्यादा होगी हम चाहते तो हैं कि बहु आए बड़ी समझदार लेकिन हो नन्नी सी अबे नन्नी सी को इतनी जल्दी समझ कैसे आएगी फेस दें। अगर कोई भी ऐसी चीज आपके सामने आती है तो सो बिस्मिल्लाह करके उसको एक्सेप्ट कीजिए हजरत फतीजा की शादी पहले अतीक बिन आस मखजूमी से हुई उनकी पहली शादी किससे हुई थी अतीक बिन आस मखजूमी से वो इंतकाल कर गए तो अबू हाला तैमी से हुई और इनसे इनका एक बच्चा भी पैदा हुआ फिर अबू हाला भी इंतकाल कर गए आप अलैहि वसल्लम से शादी से पहले हजरत खतीजा की दो मरतबा शादी हो चुकी थी और दो मरतबा वो बेवा अगर देखे तो हमने पढ़ा कि आप अलैहि वसल्लम के दादा की जो वालिदा थी वो भी बेवा हुई थी उनका नाम क्या था सलमा तो इसी तरह की जारत उनके वालिद के पीछे से डेथ हो गई फिर आप सलिम के साथ ये हुआ कि उनके वालिद की डेथ हो गई ठीक अब उनको जो बेगम मिली है उनका भी दो दफा निकाह हुआ है और वो भी दो दफा बेवा हो चुकी है इसका मतलब है कि वहां उस वक्त बेवाओं की शादी होती थी इट वॉज नॉट अ बिग और एक और चीज जो हमने पढ़ी थी कि कुछ सही उनकी भी ऐसे ही हुआ था कि उनके वालिद की डेथ हो गई थी तो उनकी वालिदा ने फिर दूसरी जगह जाकर शादी की थी और फिर शाम चली गई हमने बेवाओं की शादी को प्रमोट करना है हो सके तो उसका हिस्सा बनना है और अगर हिस्सा ना बन सके कम से कम ना मजाक उड़ाना है ना उनके बारे में कोई ऐसे अल्फाज अदा करने हैं जिससे कोई हर्ट हो इसके बाद बड़े बड़े सरदाराने कुरैश ने शादी करनी चाहिए मगर हजरत कातीजा राजी ना हुई यहाँ तक कि अल्लाह तला ने इनको आपके शरफे जोजियत से नवाजा और ऐसी कि, के पहलों और पिछलों सबके लिए बायसे रश ठहरी हजरत नबी करीम सलम की पहली बीवी थी पहली बीवी कौन थी हजरत खतीजा रजी अल्लाह तहो और जब तक वो जिंदा थी आप सलम ने कोई दूसरी शादी नहीं की वेस्ट के प्रोपोगेंडो में से एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है कि कहते हैं कि हमारे नबी करीम वसल्लम जो थे उन्होंने बहुत सी शादियां की तो आगे आगे जब देखेंगे आप वसल्लम की हर शादी किसी रीजन की वजह से थी किसी भी रस्म को तोड़ने की वजह से थी आपने शोक शोक के बदले सिर्फ शादी नहीं की उसका कोई मतलब था जिसकी वजह से आप सल्लाम ने शादी की आप सल्लाम की तमाम औलाद भी हजरत खतीजा से थी सिर्फ इब्राहिम जो थे वो मारा मारिया वसल्लम के तमाम बच्चे हजरत खतीजा रजी ताला अन्हों से थे सिवाय इब्राहिम जो मारिया किप्तिया से थे इनकी औलाद के नाम क्या हैं अब जो औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खतीजा से थी उनके नाम लिखिए पहले कासिम फिर जैनब फिर रुकैया फिर उमे कलसूम फिर फातिमा फिर अब्दुल्ला कुछ लोगों ने तादाद और तरतीब दोनों में इख्तलाफ किया है लेकिन हमें इख्तलाफ में नहीं पढ़ना जो हमें ऑथेंटिक लग रहा है हमने उसको सीखना है आप वसल्लम के तमाम लड़के बचपन ही में फोत हो गए अलबत तमाम बच्चियों नेहद नबूत यानी तमाम जो बेटे थे वो पागे थे जब छोटे थे बचपन में लेकिन तमाम बेटियां जो थी उन्होंने आप वसल्लम के नबूत का जमाना देखा इस्लाम लेकर आई हिजरत भी की यानी वो तमाम मुसलमान भी हुई उन्होंने आप सल्लाम के साथ हिजरत भी की और सब की सब आपकी जिंदगी ही में फोत हो गई सिर्फ हजरत फातमा रजी तन हो आपके बाद छ महीने जिंदा रही अल्लाह कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक माँ जानती है कि औलाद कितनी प्यारी है और उसका गम कितना मुश्किल है तमाम औलाद आप वसल्लम की जिंदगी में वफात आ गई सिवाय हजरत फातिमा। बाकी गम तकलीफें तो एक तरफ कितना बड़ा औलाद का गम मेरे प्यारे ने भी सल्लाम ने भी जितनी भी औरतें जिनके बच्चे नहीं हैं दुखी ना हुआ कर ये अल्लाह की आजमाइश और अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है लेकिन किसी वजह से ले ली है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है कि उन्होंने फिर भी अपना मिशन नहीं छोड़ा वो डिप्रेस होके घर नहीं बैठे बल्कि इतनी मुश्किल इसके साथ साथ बाकी मुश्किल हालात को भी फेस करते रहे और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहे कैसे क्योंकि उन्हें अल्लाह पे बहुत ज्यादा यकीन था तकवा इतना मजबूत था अगर आज मुझे इस बात का यकीन हो हंड्रेड परसेंट कि कल कयामत आ जाएगी मुझे अपने अल्लाह के पास लौटना है तो मैं किसी बड़ी से बड़ी परेशानी में भी परेशान होंगी दुख जरूर होगा क्योंकि दुख होना इंसान के इंसान होने की अलामत है लेकिन वो डिप्रेस नहीं होगा वो कहेगा हो गया लेकिन इंशाल्लाह जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मुझे तमाम मेरे प्यारे दोबारा मिल जाए और मैंने जब तक जिंदा हूं इसके लिए क्या करनी है मेहनत और स्ट्रगल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी सांस तक अपनी उम्मत को पुकारते रहे हक हाँ की तरफ बुलाते रहे हम उम्मत वस्त हैं ये हमारे कंधों पर बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदार अगर आज हम गफलत में सोए रहे तो हम अपना हक अदा नहीं कर पाएंगे बैतुल्ला की तामीर और अस्वत के झगड़े का फैसला हमने पहले पढ़ा था कि हजरत इब्राहिम ने बैतुल्ला हजरत इस्माइल की मदद से। जिसका जिक्र कहा सुरह बकरा में भी मिलता है और कुछ आयात है और वहां पे आप हजरत इब्राहिम ने दुआ भी की थी कि यह अल्लाह एक ऐसे मोल को भेजे जो हमें इस जगह के प्रॉपर तरीके सिखाए कि हम कैसे इबादत करें और उसके इतने अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए आपकी उम्र का 35वां साल था कि एक जोरदार सैलाब आया जिसने खाना काबा की दीवारें फट गईं ये दीवारें एक बार काबा में आग लग जाने की वजह से पहले ही कमजोर हो चुकी थी अब कुरैश मजबूर हुए कि असर नौ तामीर करें इस मौके पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे चुनाचे रंडी की उजरत सूद की दौलत और किसी का ना हक लिया हुआ माल इस्ते में इस्तेमाल नहीं करेंगे उन्हें खाना काबा गिराते हुए भी डर लग रहा था कि अल्लाह ताला का अजाब ना टूट पड़े बिल आखिर वलीद बिन मुगीरा नाम नोट कर लीजिए वलीद बिन मुगीरा ने यह कह कहकर ढाना शुरू किया कि अल्लाह को हलाक नहीं करता जब लोगों ने देखा कि इन्हें कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने भी ढाना शुरू कर दिया और हजरत इब्राहिम वाली बुनियाद तक गिरा डाला खाना काबा बहुत उसकी दीवारे पास थी। तो वलीद बिन मुगीरा ने सबने कंसल्ट किया उन्होंने कहा हम हलाल माल से दोबारा तामीर करेंगे लेकिन डर रहे थे कहीं का अजाब ना आ जाए तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि अल्लाह मुस्लिम को कुछ नहीं करेगा और उन्होंने ढाना शुरू कर दिया जब लोगों ने देखा नहीं तो कहाँ तक ढाया गया जहां तक हजरत इब्राहिम ने बुनियाद रखी मतलब बुनियादों तक ढा दिया गया और फिर उसके बाद दोबारा बनाया गया इसके बाद तामीर शुरू की तामीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर था अशराफ अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते बड़े बड़े लोग खाना काबा की इतनी अजमत उस वक्त भी थी अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते रसुल्लाम और आपके चचा अब्बास भी पत्थर ढो रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चचा और अशराफ सब पत्थर जो थे वो ला रहे थे ढो रहे थे तामीर का काम बाकूम नामी एक रूमी मामार कर रहा था तामीर का काम कौन कर रहा था रूमी मामार था उसका नाम था बाकूम चूंकि माल इतना जमा ना हो सका कि इमारत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर मुकम्मल की जाती इसलिए शुमाल की तरफ से तकरीबन छह हाथ छोड़कर इस पर एक छोटी सी दीवार उठा देगी ताकि इलामत बाकी रहे तो ये क़ाबा का हिस्सा है इसी को हजर और हतीन कहते हैं और हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि आम लोग खाना क़ाबा के अंदर नहीं जा सकते लेकिन वो भी खाना क़ाबा का हिस्सा है अल्लाह सुबहान तला ने कहा ठीक है अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा हतीम खाना काबा का हिस्सा है और वो अंदर क्यों नहीं ऐड हो सका था क्योंकि उस वक्त उनके पास हलाल माल नहीं था इससे हमें ये पता चलता है कि उस वक्त बहुत ज्यादा हराम काम हो रहे थे इतना हराम काम था हलाल माल जमा ही नहीं हो सका और सिर्फ इतना हुआ कि उन्होंने हतीन का हिस्सा छोड़ना पड़ा जब दीवार हिजरे असद तक उठ चुकी तो हर सरदार ने चाहा कि वो ही हिजरे असद को इसकी जगह रखे अब हिजरे असद लगाना था आप सब चाह रहे थे कि वो हो और उनको शर्क मिले इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ जो चार पांच रोज जारी रहा और करीब था कि हर में खून खराबा हो जाता लेकिन अबू उमैया ने जो सबसे ज्यादा उम्र रसीदा था ये कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाजे से जो शख्स पहले दाखिल होगा इसे इस झगड़े का हुक्म मान लिया जाएगा लोगों ने ये तजवीज मंजूर कर ली अल्लाह की देखें कि इसके बाद सबसे पहले जो शख्स दाखिल हुआ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुरैश ने देखा तो कहा हाजल वर वजीना हाजा मोहम्मद ये मोहम्मद है जो अमीन है हम इस पर राजी अब देखो इतनी लड़ाई चार पांच दिन से लड़ाई हो रही है माने रे आप सल्लाम का किरदार कितना बुलंद होगा कि जब वो आए उन्होंने बहस ही नहीं की उन्होंने कहा ये तो मोहम्मद है ये अमीन है हम है सब किस चीज ने आप सल्लाम को आगे लेकर आया उनका कैरेक्टर उनका किरदार अब आप सल्ह वसल्लम की समझदारी देखिए आप सल्लाम इनके पास पहुंचे तो आपको तफसील बताएगी आपने इसका ये हल निकाला कि एक चादर ली इसमें रखा और सब सरदारों से कहा कि इसका किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। जो अच्छा काम होता है हमारे लिए सबक सबको उसमें हिस्सा दें। कोई देरूम ना फील कर अच्छा काम है आप ये कर लें आप ये कर लें आप ये कर लें ऐसा तरीका इख्तियार करें कि सब इन्वॉल्व हो जाए ये नहीं कि मैं सबसे बड़ी बन जाऊं और सब कुछ मैं कर लू नो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों को साथ लेके चले और इससे भी हमें पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत समझदार चाहते तो लगा देते ना लोगों ने तो एग्री कर लिया था उन्होंने एक चादर ली उसमें हिजरे असवद रखा और तमाम सरदारों से कहा कि इसका किनारा पकड़कर ऊपर उठाए सब ने ऐसा ही किया जब चादर हिजरे असवद तक की जगह तक पहुंच गई तो आपने अपने हाथ मुबारक से हिजरे असव को इसकी जगह पर रख दिया ये इतना उम्दा फैसला था कि इस पर सब खुश हो गए हमने क्या करना है अगर हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि सब लोगों का दिल करता है ना हम भी करें सबको साथ लेके चले हमेशा हमने इज्तमाही कोशिशों में ज्यादा फोकस करना है सवाब भी ज्यादा मिलेगा हिजरे असवद जमीन से डेढ़ मीटर बुलंदी पर है और दरवाजा तकरीबन दो मीटर ऊंचा है कुरैश ने इसे इतना ऊंचा इसलिए रखा ताकि इसकी इनकी इजाजत के बगैर कोई शख्स काबा में दाखिल ना हो सके दीवारें अठारह अठारह हाथ बुलंद हैं जबकि पहले नौ नौ हाथ थी अंदरूने काबा दो कतारों में छह सतून खड़े किए गए हैं और पंद्रह हाथ की बुलंदी पर छत बनाई गई है जबकि पहले सतून ना थे और छत ना थी पहले खाना काबा में पिलर्स नहीं थे जो अब हैं और पहले खाना काबा की छत भी नहीं थी जो अब बनाई गई है। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वा अलैहि वस्तल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वा अलैहि बचपन से ही सलीमुल अकल पाग दामन और भरपूर क्षुध के मालिक थे। जवानी और पुख्तगी का जमाना आया तो आपकी खूबियाँ और निखर कर आईं। आप दुरुस्त सोच सही नजर बेहतरीन अखलाक और उमदा आदात का सबसे बुलंद नमूना थे सच्चाई और इमानत सच्चाई और इमानत और शुजात अदल और कनात बुरदबारी और कनाद, बुर्दबारी और इपर, और सब्र वफा खैर ख्वाही और, और तोजुन सब में मुमताज थे भलाई और एहसान में आपका कोई सानी नहीं था अबू तालब ने क्या खूब कहा है अबयदु युस्तस्कल गमामु बिवजही समामुल यतामा असमतुन लिल आरामिली वो गोरे मुखड़े वाला जिसकी बरकत से अबरे रहमत बरसता है वो यतीमों का सहारा और बेवाओं का निगेबान ये है हमारे नबी हजरत मोहम्मद वसल्लम आप सुला रहमी करते थे लोगों का बोझ अपने सर ले लेते थे तंगस की ऐसी मदद फरमाते थे कि मालदार हो जाता या रोजगार पे लग जाता मेहमान की मेजबानी करते और मुसीबत के मारे हुए से ताउन फरमाते अल्लाह ने आपकी हिफाजत और निगरबानी का खास इंतजाम फरमाया था और कौम के अंदर फैली हुई और बुराइयों के खिलाफ आपके दिल में नफरत डाल दी थी चुनाचे ईद पर हाजिर होते थे ना शिर के मेलों में जाते थे आप आस्तानों या गैर अल्लाह के नाम पर जबा किए वाले जानवर खाते नहीं थे ना बुतों को छूते थे ना इनसे तकरुब हासिल करते थे लात और ऊजा की कसम तो सुनना भी गवार नहीं फरमाते थे शराब नोशी और खेल की मजलोसों से आप इंतहाई दूर रहते थे आज जैसे हम किसी के घर जाते हैं हमें शरबत देते हैं ना अरब में वैसे शराब पेश की जाती क्योंकि उस वक्त हराम नहीं थी लेकिन जो सलीमुल फितरत होता है वो फिर भी वो सोचे एक जगह जहां पे हर वक्त शराब पी जा रही है और मना भी नहीं है उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ भी नहीं लगाया था शराब को ऐसी किसी मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शिरकत ना फरमाई हालांकि ये मजलिसें जवानों की तफरी और दोस्तों की जाए मुलाकात हुआ करती थी आज की तफरी क्या है कॉन्सर्ट हो गए यूनिवर्सिटी इवेंट्स हो गए जहां पे हर तरफ ऊंचे गाने बेहाय की गुफ्तु अजीब और गरीब किस्म के नज़ारे हैं अगर मैं चाहती हूं कि मैं पाक दामन रहूं, तो क्या मुझे इन मजलिसों का हिस्सा बनना चाहिए हर में? अगर मैं बनूंगी तो फिर क्या होगा इनडायरेक्ट <laughs> इफेक्ट आपके दिमाग पे होगा आहिस्ता आहिस्ता आपको सही रास्ते पे चलना मुश्किल लगेगा आप सल्लाम का तो सीना मुबारिक चाक करके धोया गया था हम तो आम इंसान अगर हमने अपनी नफ्स को पाक रखना है तो फिर हमें खुद इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। हर किस्म के गाने बजाने फहेश गोई गंदी वीडियोस, किसी भी किस्म के ताउती से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा <clears throat> नबूत के आसार और सदत की झलकियां पिछले जो हालात बयान किए जा चुके हैं इनकी वजह से आप वसल्लम और आपकी कौम के दरमियान फिक्री और अमली फासला बढ़ता गया कौम एक डायरेक्शन में जा रही थी आप अलैहि वसल्लम की दूसरी डायरेक्शन थी और ये भी मैं आपको बता दू जब आप खालिस दीन में दाखिल होंगे तो आपके भी दो ग्रोह होंगे एक आप जिनको शायद लोग एक्सट्रीमिस्ट कहना शुरू हो जाए और एक दूसरे जो दीन और दुनिया दोनों रख फैसला आपका है कि आपने एक्सट्रीमिस्ट बनना है या दीन और दुनिया हम बेशरम होते हुए दूसरे को एक्सट्रीमिस्ट क्यों नहीं कहते लेकिन अगर जो सीधी राह पे चल रहा है हम उसको एक्सट्रीमिस्ट क्यों कहते आप कौन की बदबख्ती और बिगाड़ देखकर रंजिदा रहने लगे जिसके दिल में दर्द होता है ना वो खुश नहीं होता कि अच्छा अच्छा मैं तो पास हो जाऊंगा ये जो मर्जी करे मुझे क्या मेरी बलास है इन्होंने अपनी खबरों में जाना नहीं आपको दुख हो रहा था। और आप इस लेवल आगे हाथ भी जोड़ ले और वो इसलिए नहीं कि आप गिरे इस कि आपको पता होता है कि ये इतने अच्छे लोग हैं ये क्या इनका अंजाम होगा आप, हो आप वसल्लम जब लोगों को देखते थे उनका दिल दुखता था इनसे अलग थलग और तनहा रहने की ख्वाहिश बढ़ने लगी और ये सोच भी गहरी होने लगी कि इन्हें हलाकत और तबाही से क्यों कर बचाया जाए उनसे अलग हुए लेकिन सोच क्या थी कि ठीक है ये करते रहे नहीं ऐसा तरीका का इख्तियार करूं कि मैं इनको भी बचा लूं और ये हमारे लिए भी जरूरी है अगर हमारी सोच अपने इर्द गिर्द खानदान वालों से अलग हो रही है तो क्या सिर्फ हमने अकेले जन्नत में जाके बैठ जाना नहीं हमने अपने तमाम प्यारों को अपने साथ लेके जाना है ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जिससे तमाम लोग इकट्ठे हों अगर हम लोग गंदी महफिलें ऑर्गेनाइज हो सकती हैं तो अच्छी महफिलें नहीं ऑर्गेनाइज हो सकती दावत कर लें घर में सबको बुलाएं और नियत क्या रखें अल्लाह ताला मैं ना इससे बुला रही हूँ हम आपका नाम लेंगे हम कोई अच्छी बात कर लेंगे जरूरी नहीं है कि पूरा दर्श हो लेकिन हमारा टॉपिक आप रहेंगे उनसे बात करें महफिल की महफिल पैगाम का पैगाम लेकिन अगर उसी महफिल में गलत काम शुरू हो जाए तो फिर वो शैतानी महफिल में कन्वर्ट हो जाएगी उम्र बढ़ने के साथ साथ ये रंज और ख्वाहिश बढ़ती ही गई और फिर आखिर आपको कशा कशा कशांकार हरा तक ले गई आहिस्ता आहिस्ता है तो उसको रहना अच्छा लगता है फिर महफिलें क्योंकि जब तक हम अलीहदा नहीं होंगे तो अल्लाह से कनेक्शन कैसे बिल्ड करेंगे और जब महफिलों में रहेंगे फिर आप महफिल का हिस्सा बना रहेंगे आहिस्ता हिसाब से सेलीहदा हुए और फिर गारे हिरा तक चले गए आप वसल्लम साल में रमजान का एक महीना दीन इब्राहिमी की बची कु के मुताबिक अल्लाह की इबाद इबादत करते और महीना पूरा करके सुबह दम मक्का तशरीफ लाते पूरा रमज़ान का महीना आप अलैहि वसल्लम जितना दीन इब्राहिमी बचा था उसको फॉलो करते हुए गा, गारे हिरा में गुजारते अकेले और फिर क्या होता कि जब ईद होती तो सुबह के टाइम पे वो मक्का आ जाते और खाना काबा का तवाफ करके घर की राह लेते तीन साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल रहा बड़ी चीजें मिलनी है। चाहते है मिले उसके लिए तो अलीदा होना पड़े अलीदा नहीं होंगे सवाल नहीं पैदा होता आपको मिले मैं रात को मेहंदियों में जाऊं दिन को आके अल्लाह की तबलीग करूं अल्लाह बिठाए गए अल्लाह लेके आए गए दिल में दर्द पैदा करने के लिए ना अपने आप को अकेला करें सबसे पहले अपना और अल्लाह का ताल्लुक मजबूत जब 40 साल उम्र पूरी हो गई और ये ही सने कमाल है मोस्टली पैगम्बरों को नबोत चालीस साल की उम्र में ही मिली और ज्यादातर लोग जो भटके हुए भी होते हैं उनको हिदायत भी अगर मिलनी हो तो इसी उम्र में मिलती है अल्लाह चाहे तो किसी उम्र में मिल सकती है लेकिन चालीस साल का बंदा हर चीज देख चुका होता है जवानी की गलतियां भी कर चुका होता है एक इमेचोरिटी के पीरियड से भी गुजर चुका होता है जिंदगी की दौड़ धूप भी देख चुका होता है आप दो काम होते हैं या तो जितना बिगड़ा था उससे भी बिगड़ जाए या दूसरा बिल्कुल कमान की तरह सीधा होके अपने अल्लाह के पास सब लोग पेपर पे अपनी उम्र लिखे हैं और हमने देखा है कि आप वसल्लम की उम्र थ्री से।, 63 से अपनी उम्र को माइनस कर दें और फिर लिखिए कि कितना अरसा मैंने अल्लाह की इबादत में या शहरी मुसलमान होकर गुजारा है और कितना अरसा मैंने बज़ाय किया है और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास बचा हुआ कितना अरसा है और किया क्या जरना तो हम सबको चाहिए लेकिन हमने उसके लिए क्या काम किया है नो जिसके नु। लिए मेहनत नहीं की वो मिल कैसे जाएगी लेकिन पॉजिटिव पॉइंट क्या है अभी भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी से कोशिश शुरू कीजिए जब चालीस साल उम्र पूरी हो गई ये सने कमाल है अमूमन इसी उम्र में पैगम्बर भेजे जाते हैं तो नबूत की चमक दमक और सादक की झलकियां नजर आनी शुरू हुई चुनाचे आप नेक देखते और जैसा देखते वैसा ही पेश आता फिर रोशनी नजर आने लगी और आवाज सुनाई सुनाने सुनाई देने लगी उनको जब नबूत आने लगी तो क्या होता आपको जो ख्वाब में आता वो ही हो जाता फिर आपको एक रोशनी नजर आती और क्या होता कि आपको एक आवाज सुनाई देती आप वसल्लम फरमाते हैं मैं मक्के में एक पत्थर को पहचानता हूँ जो बेसत से पहले मुझे सलाम किया करता था पहाड़ जहां पे आप वसल्लम जाते थे अब उसका नाम जबले नूर है अब उसको क्या कहते हैं जबले नूर असल मक्का से इसका फासला तकरीबन दो मील है इसकी बुलंद चोटी दूर से नजर आती है इस चोटी के बाएं तरफ कुछ नीचे उतरने के बाद गार वाक है गार की लंबाई ये जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने फिर दो दफा पढ़ा कि इतना ही है गार की लंबाई चार मीटर से कुछ कम और चौड़ाई डेढ़ मीटर से कुछ ज्यादा है इमेजिन चार मीटर से कुछ कम लंबा डेढ़ मीटर से ज्यादा तो वो जगह कितनी सी इतनी सी कि वहां पे बंदा आराम तो नहीं कर सकता जब हमने अल्लाह सुबहान तला के आगे पेश होना है और उनके साथ अपना तालुक बनाना है अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना है जब तक मैं कंफर्ट जोन में रहूंगी तो क्या मेरी तहज पे आंख खुलेगी सवाल नहीं पैदा होता, ए लगा हो ठंडी ठंडी हवा आ रही हो नरम नरम बिस्तर हो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप फैसिलिटीज़ को एंजॉय ना करें जरूर करें लेकिन अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, मुश्किल पड़ेगी तो दिल में कुरान आएगा। जी ऑनलाइन पे हमारे साथ हैं कुत्सिया और वो चाह रही थी कुछ शेयर करना तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं और शेयर कर सकती हैं जो आप कहना चाह रही हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारे दीन में है कि अगर आप कोई अच्छी चीज पढ़ते हैं या कहीं सुनते हैं तो उसको आगे पहुंचाना भी हमारा फर्ज है तो अभी बोलिंग तो दिन मैं हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में पढ़ी कि हजरत आयशा ने आपसे से पूछा कि आपको हज़रत खतीजा से इतनी मोहब्बत क्यों थी जबकि अल्लाह ज़्यादा खूबसूरत बीवियाँ उनके जाने के बाद अता फरमाय तो ने अपनी उनके जो तारीफ है वो इस तरह से की कि हजरत खतीजा रजील जो हैं वो मेरी वो बीवी थीं उनके उनकी मोहब्बत मेरे दिल में इस तरह से है कि उन्होंने अपनी जितना वक्त मेरे साथ गुजारा उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात ही नहीं की और दूसरा मेरी वाहिद बीवी हैं कि जिनसे मुझे जिंदगी में एक दफा भी कोई शिकवा नहीं हुआ जबकि मुझे अपनी दूसरी बीवी जो उस वक़्त आप के निकाह में थी जिनका कुरान पाक में भी जिक्र आता है वो दो तीन ऐसी आपकी अः थी जिन्होंने कुछ ऐसे किया कि जिनका फिर आपने शिकवा भी किया और फिर उनकी बारे में कुरान में भी जिक्र है लेकिन हजरत खतीजा वो वाहिद आप सल की बीवी थी जिनसे आपको कोई शिकवा नहीं था और उन्होंने आप सल से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की तो ये मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि जब आप सल और हजरत खतीजा का जिक्र हो रहा है तो बाकी सबको भी पता होना चाहिए कि जैसे आज कल, हम तमाम खुवान और अक्सर जो मेरी क्लास मेरे मेरे समेत हैं जो हम मेरिड हैं हम अक्सर कोई बात बुरी लग जाती है तो हम कितना शोर मचाती हैं और अपनी आवाज़ भी नहीं देखती हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो इसके बारे में जब हमने पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने कोशिश करूंगी कि हम मैं भी चेंज लाऊं तो बाकी सब के लिए भी है कि इस तरह का इंसान का अखलाक होना चाहिए कि दूसरे भी जो है ना वो हमारे अखलाक से कुछ सीखे हमें हमारे लिए बेहतरीन मिसाल जो है वो मातुलमिन जिनमें हजरत का है वो हमारे साथ में शुक्रिया जजाक बेहतरीन जजा दे हम किस किस लेवल पे शर्मिंदा हों आजकल कहा जाता है कि आप 2023 की औरत हैं क्या आप मियाँ की सारी बातें मानेंगे तो हमारा इस्लाम हमें क्या सिखा रहा है जी हाँ मैं अपने मियाँ की तमाम जायज़ हलाल बातें मानूंगी क्या मैं अपने मियाँ ऊंची आवाज में बात करूंगी नो अलाउ नहीं है ना। और हमें क्या सिखाया जाता है नाइन्टी परसेंट चुप करके मत बैठना बहस करो आगे से जिरा करो तो मैं क्या कल हजरत रजीला तला के साथ खड़ी हो सकू किन के साथ खड़ी होंगी जो चीख चीख के बातें करेगी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आप वसल्लम की सरत मुबारक का एक एक मोड़ हमारे लिए इतना बड़ा लेसन है कि अगर हम इसको फॉलो करना शुरू कर देना तो हम क्या से क्या बन जाएंगे हमने कोशिश करनी है कि हम इन तमाम चीजों को फॉलो करें अमल के नकात अपने लिए लिए सबसे पहले खुद अपने पे इम्प्लीमेंट करें अपने अंदर से तमाम गलत बातें बुरी बातें पैश बातें तागूती बातें निकालें जितना मैं अपने आप को जानती हूं उतना आप मुझे नहीं जानते इसीलिए हमने खुद अपने जायजे लेने दूसरों के पीछे नहीं पड़ जाना कि तुम ऐसी और तुम ऐसी बल्कि मैं कैसी यह सोचना है अपने लिए अमल की बातें लिखें अमल के पॉइंट्स लिखें और दुआ करते जाए कि अल्लाह हमारे किरदार को भी ऐसा खूबसूरत बना दे कि कल को हम खुशी खुशी आप से वाले वाले वसल्लम के सामने हाजिर हों हजरत खदीजा रजील त के सामने हाजिर हों और हम ज्यादा नहीं तो कम से कम ये कहें कि आपके बारे में जब हमने सुना कि आप सल आप रजी तल्ला से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी उस दिन के बाद मैंने भी अपनी आवाज़ को अपने मियाँ के सामने मदहन कर अल्लाह सुबहान तला आप सबसे राजी हो अपना ख्याल रखें दुआओं में याद रखें और इस सीरत के मोतियों को चुनते जाए सुबह नमदी اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته